आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, वार्ता 24 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनआईए द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में। इस चार्जशीट ने एक बार फिर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दाखिल हुई इस चार्जशीट में कई ऐसी बातें हैं जो बेहद चौंका देने वाली हैं। जी हां, इस चार्जशीट में लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरार को अगली डी कंपनी के तौर पर बताया गया है। जी हां, डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी, वो दाऊद जिसके नाम से पूरा देश थर्रा जाता था, जिसके अपराध की कई सारी कहानियां हैं, जिसके शूटर बहुत बड़ी मात्रा में थे और देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। दाऊद के एक फोन पर लोग अपनी गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए देते थे, और उसी तरीके से अब लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी के फोन भी कई लोगों की गाड़ी कमाई को हड़प चुके हैं। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लगभग 13 लोगों का लेखा जोखा है जिनसे पूरा पैसा लिया गया है। इसमें किसी से 20 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 60 लाख जैसी बड़ी रकम को लिया गया है। यह चौंका देने के साथ साथ एक चिंता वाली खबर है। क्या डी कंपनी जिसका आतंक था वैसे ही एक नई कंपनी सामने आ गई है? क्या फिर से लोगों को ऐसे डॉन से डरने की जरूरत पड़ जाएगी? क्या यह डॉन लोगों की गाड़ी कमाई अपने फोन से एक्सटॉर्शन के जरिए यानी उन्हें जान से मारने की धमकी के जरिए ले लेंगे? क्योंकि इस गैंग की बात करें तो एनआईए द्वारा चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें कुल मिलाकर 700 शूटर होने की बात की गई है। यह गैंग चलाने के लिए यह 700 शूटर गोल्डी बरार बड़े आसानी से एकत्रित करता था। दरअसल जिस तरह दाऊद ने अपनी डी कंपनी में छोटे मोटे अपराध करने वालों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें लग्जरी लाइफ और उनके हर सपने को पूरा करने की बात कहकर उनसे बड़े बड़े अपराध करा डाले, वैसे ही गोल्डी बरार और लॉरेंस भी अपनी गैंग के सदस्यों से ऐसे अपराध कराते हैं। इस गैंग में शामिल करने के लिए वो तमाम वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी तस्वीरें डालते हैं और अपने बारे में डालते हैं, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो छोटे मोटे अपराधी जो इसमें उन्हें देख करके उन्हें इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हें देख कर उनसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास गोल्डी बरार बुलाते हैं। गोल्डी बरार वो अपराधी अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ता है और उसके बाद फिर उनसे कराता है अपराध। ये 700 शूटर देश के कई हिस्सों में अपने आतंक को फैलाए हैं। सबसे ज्यादा गोल्डी बरार और लॉरेंस के गिरोह का अगर दहशत है तो नॉर्थ ईस्ट में है। चाहे पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहां वो शूटर फैले हुए हैं। फिलहाल एनआईए समेत जो प्रदेश की अलग अलग प्रदेशों की पुलिस है वो ऐसे अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन एनआईए की इस चार्जशीट ने कहीं ना कहीं एक बार चिंता की लकीरें जरूर खड़ी कर दी हैं। जरूर माथे पर वो चिंता की लकीरें आ गई हैं कि क्या डी कंपनी का फिर से वापस आ रही है, क्योंकि जिस डी कंपनी के आतंक से लंबे समय बाद लोगों को राहत मिली थी, क्या वो डी कंपनी फिर से तैयार हो रही है? अब ये आने वाले वक्त ही बताएगा कि कब जाकर के इनके सभी शूटरों को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल एजेंसियां अपने पूरे प्रयास में लगी हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और अहम जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।